नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रागिनी पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिर्फ 10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है, राइस के साथ, रोटी, नान, चपाती, जिसके साथ खा के आप इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करिएगा, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो मेन इंग्रेडिएंट है शिमला मिर्च, वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम शिमला मिर्च लिया है, जो कि 3 पीस आया है। और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे मैंने धो लिया है और अच्छे से इसके बीज निकाल के कट कर लिया है। तो क्यूब्स में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया मैंने। इसके साथ में मैंने 2 प्याज, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी धनिया का पत्ता लिया है। सारी चीज़ों को हमें बारीक कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक बोल में 3 चम्मच दही ली है। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है, फ्रेश दही लेनी है। और इसमें हमें डालना है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमें डालना है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हमें डालना है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हमें डालना है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हमारा मसाला है बन के रेडी है। बस चलते हैं अब गैस की तरफ। एक पैन गरम करने रखा है मैंने, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल। तेल आप अपनी पसंद से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी तेल आप खाना पसंद करते हैं। तो ऑयल गरम हो जाने पे मैंने यहाँ पे ऐड किया है शिमला मिर्च, जो हमने कट करके रखा था। और इसे हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट के लिए या उससे भी कम टाइम के लिए थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, इसका क्रंचीनेस बना रहे। हल्का सा हमने इसे फ्राई कर लिया है, इसे निकाल लिया ऑयल में से और तेल मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून राई के दाने, 1/2 टीस्पून जीरा डाला है। जब दोनों अच्छे से पक गए हैं तो कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। कटी हुई बारीक प्याज ऐड कर दी है, साथ में धनिया का पत्ता थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा बचा के रखा है। और इसके साथ में कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी उसे बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हमें पकाना है प्याज के सॉफ्ट होने तक। तो प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। फिर जो हमने दही वाला मसाला रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया मैंने इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे उबाल आने तक, ताकि दही हमारी जो है वो फटे ना। और उबाल आने के बाद इसे ढक करके पकने देंगे। तो मैंने लगभग इसे 3 से 4 मिनट तक ढक करके पकने दिया स्लो फ्लेम पे। हमारी जो सब्ज़ी की ग्रेवी है ये अच्छे से बन चुकी है, इसका जो तेल है वो थोड़ा अलग होने लगा है। अब हम इसमें शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके साइड में रखा था वो ऐड कर देंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ बिल्कुल अपनी पसंद से, कम ज़्यादा जितना आप खाते हैं ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और सब्ज़ी को ढक करके 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने दीजिए। बिल्कुल आराम से ये पकेगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये देखिए सब्ज़ी कितनी यमी लग रही है। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था। और इसके बाद इसे मिक्स कर लेती हूँ। इसे गर्मा गर्म आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, तंदूरी के साथ, जिसके साथ चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। तो इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।